मैं सोनू राजपूत बिहार से बिलोंग करता हूँ और ये फिल्म हमारे सर डायरेक्टर सर हैं, इनके बदौलत मुझे मिली है। तो सर बताइए, आप इनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, फिल्म के बारे में कुछ। फिल्म हमारे जो टाइटल है बदले की जलती आग, और बहुत ही अच्छी कहानी है और इसको हम नेक्स्ट मंथ में कर रहे हैं शूट। और बहुत पारिवारिक पिक्चर है और हिंदी फिल्म है, और हमारे अंजलि जी हैं जो ये फिल्म की हीरोइन हैं। मेरा नाम है सर राजू दुबे, मैं ये फिल्म का डायरेक्टर हूँ और अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ बस। दुबे जी, क्या फिल्म में निर्देशन के अलावा आपका कोई किरदार भी है? नो सर, सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है और वो फिल्म के निर्देशन की है। जी सर। मैडम जरा आप अपनी बात बता दें। मैं अंजलि सरगम यूपी से बिलोंग करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि राजू दुबे जी ने मुझे इस फिल्म के लिए चुना। आई एम सो एक्साइटेड। सर, ये फिल्म सर तो बोल रहे हैं कि दिसंबर में शूट हो रही है, और ये फिल्म मेरे ख्याल से 1 जनवरी या 2 जनवरी तक रिलीज हो जाएगी। अब सर आप बताइए कब तक ये शूट मतलब ख़त्म हो जाएगी, स्टार्ट कब से कर रहे हैं? हम शूट 14 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं, ये मुंबई में कर रहे हैं सर, और 1 जनवरी को इसको रिलीज करें नए साल में, और आगे आप देखेंगे। फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में आप लोगों में से कौन बेहतर बताएगा मुझे, फिल्म की कहानी पटकथा क्या है? जी, मैं बता सकता हूँ इसको, क्योंकि इस फिल्म को मैं राइट किया हूँ। बहुत ही अच्छी फिल्म है और एक सामाजिक स्तर पर बना हुआ है, पारिवारिक फिल्म है और एक्शन मूवीज है, लव स्टोरी फिल्म है। आप सब लोग को बहुत पसंद आएगा, एक बार देखिए और आप लोग प्यार दीजिए, आप लोग का प्यार आशीर्वाद ही हम लोग को चाहिए। और जो है सर हमको बताएंगे, सर आप बताइए कुछ फिल्म के बारे में कुछ। हमारे जब एक कहानी हमें सोनू राजपूत से मिला और हमारे पास कहानी लेकर आए, बोले कि सर कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है, मैंने उसको पढ़ा और हमें वो कहानी बहुत ही अच्छी लगी, तो हम सोनू भाई से बोले कि सोनू भाई ये फिल्म हम जरूर बनाएंगे, और बहुत ही अच्छा लगा। हम हमारे प्रोड्यूसर राजेश राव जी से हमने बातचीत किया, सर को हमने सुनाया, वो सर ये कहानी समझिए और पढ़िए, सर को भी बहुत अच्छा लगा, बोला ठीक है दुबे जी आप करिए बेस्ट ऑफ लक। बड़े कलाकार या बड़े कलाकार नहीं है, आप खुद भी युवा है बहुत। ऐसा कुछ नहीं सर, इस फिल्म में जो काम कर रहे हैं वो मार्केट से हैं, जो हमारी फिल्म में हमारे पिताजी का कैरेक्टर कर रहे हैं वो भी मार्केट से हैं, और जो माँ का रोल कर रही है वो भी मार्केट से हैं, तो सब जन मार्केट से। मैं ही एक युवा हूँ जो इसमें पहली बार काम करने जा रहा हूँ। अब तक तो मैं बहुत सारा सिंगिंग करता था, भोजपुरी मैंने बहुत सारा सिंगिंग किया है, आप सब देख सकते हैं यूट्यूब पर सर्च करके। तो मैं सोचा कि सर को बोला कि सर इस फिल्म में मतलब ये स्टोरी है, तो सर बोले कि इसमें एक्टर मतलब आप ही लीड करो। तो मैं बोलूँगा जी सर, मैं भी सिंगर हूँ और एक्टिंग भी करती हूँ, फिलहाल मैंने शॉर्ट मूवी भी किया हुआ है, एल्बम वगैरह बहुत सारा। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती हम, जीवन साथी हम दिया और बाती हम। हाँ पीरी दिया कितना सताई, कि दूसरा के नाम के मैं हदी रचा के, दूसरा के नाम के मैं हदी रचा के, भैलो चीज पराई। हाँ पीरितिया कितना सताई। तो मैं राजेश राव, मैं जॉब करता हूँ। जैसा आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्होंने मुझे कहानी दिखाया, मुझे पसंद आया। एक्चुअली कुछ दिन पहले से
हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमें एक मूवी करना है, तो इन्होंने सोनू राजपूत ने इनको कहानी दिया, कहानी हमें दिया, मैंने कहानी पढ़ा, कहानी बहुत ही अच्छा लगा, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया चलिए हम लोग इस पर मूवी बनाते हैं। नेक्स्ट मंथ से हम लोग की शूटिंग शुरू होने वाली है, जनवरी के फर्स्ट वीक में हम लोग इसको लॉन्च करने वाले हैं, और जैसे ही हमारा ये प्रोजेक्ट ख़त्म होगा हम लोग एक नए प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। कहानी ये बहुत ही अच्छी है, हम आशा करते हैं कि लोगों को ये पसंद आएगी, हमें जनता से जो भी सराहना ये मिलेगा। मैं फिल्म में इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये जो नई टीम है, जो सोनू की, जो अंजलि की, न सिर्फ ये पिक्चर मीन्स हम लोग का रिलेशन बहुत पहले से है। अच्छा। और बहुत पहले से हम लोग को बहुत मजा आ रहा है, जब ये फिल्म में एक साथ काम करने को होगा तो और अच्छा रहेगा, और हम ये आशा करते हैं कि फ्यूचर में हम लोग का रिलेशन ऐसे ही बना रहे, हम लोग और आगे आगे और पिक्चरें करें और पिक्चरें करें। इस पूरे चलचित्र के प्रथम शुभारंभ के अवसर पर आज ये बात सुनिश्चित है कि आज का दिवस पूरे महाराष्ट्र के लिए एक नया करवट लिया है, नई दिशा दिया है, उसी लिए आज का दिन आपके लिए एक नया सुनहरा सुबह लाएगा, और नए सूर्योदय के साथ, नए विकास के साथ, नई धर्म संपदा की नई शक्ति प्रदान करेगा। ग्रह नक्षत्र ज्योतिष सभी दृष्टियों से आज का यह क्षण बड़ा ही इनके लिए अनुकूल और फलदायी है। हेलो सर, मैं सबसे पहले आप सबको नमस्ते प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम दुर्योधन राणा है और मैं आज इस फिल्म का मुहूर्त हुआ मुंबई के नाला सुपारा में, और ये बहुत अच्छी फिल्म है और आप बहुत जल्द स्टार भी होने वाला है। मैं हीरो के पिता का रोल कर रहा हूँ। अच्छा, ज़्यादातर नए कलाकार हैं फिल्म में, मैडम और सर आपको भी, और क्या पोटेंशियल नज़र आया आपको, कितनी इच्छा शक्ति इन बच्चों में नज़र आई आप लोगों को? देखिए, ऐसा है कि कलाकार तो हर इंसान के अंदर छुपा रहता है, बच्चे हैं और उमंग लिए आगे मैदान में आ रहे हैं, हम लोग भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद है कि हम लोग खरा उतरेंगे। बताइए। मेरा नाम विपिन कुमार मिश्रा है, मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ, मैं ये इस फिल्म में काम कर रहा हूँ, मुझे इस फिल्म में कैरेक्टर का रोल मिला है और मैं इस रोल को बड़े दिल लगा के करूँगा। तो ये तो शुरुआत है, ये स्क्रिप्ट भोजपुरी में बहुत बढ़िया है, कुछ अलग अंदाज से है, भोजपुरी मूवी में देखता हूँ, लेकिन ये बदले की जलती आग जो है ये महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे इंडिया में आग लगा देगी सांस्कृतिक क्षेत्र में, ऐसे मुझे लगा, और इसलिए मैं ये मूवी में अभी पदार्पण है। मेरा तो मराठी में बहुत हुआ, लेकिन अगर ये तो शुरुआत है, और आइए हम सोनू और हम मिलके आगे भी और बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने वाले हैं। अगर इस मूवी को इस संसार में जिंदे जो भी लोग हैं उन्होंने अगर सपोर्ट किया, आशीर्वाद दिया, सब टीम तो बहुत मेहनत से काम कर रही है, इसलिए सोनू जी, हमारे डायरेक्टर साहब, ये प्रोडक्शन के जितने भी टीम है उनको आपके आशीर्वाद की जरूरत है, इसलिए सब प्रेक्षक को हम विनती कर रहे हैं, इस बदले की जलती आपकी मूवी को आप प्रोत्साहन कीजिए, और महाराष्ट्र यूपी हर पूरे मतलब नेशनल अवार्ड मिलने की इस प्रोडक्शन को क्षमता आए, और क्षमता को आप ही उसको प्रोत्साहन कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूँ इस प्रोडक्शन को, इस कलाकार को आप प्रोत्साहित कीजिए। और ये पोस्टर जो देख रहे हैं, पोस्टर देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक्शन मूवी है, शॉर्ट मूवी है, और इसका जो स्टोरी जो है ना, मैंने रीड किया स्टोरी को, बहुत अच्छा स्टोरी इसका है, और मैं आप भी किरदार कर रहे हो उसमें, सपोर्टिंग कैरेक्टर में मैं भी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं भी एक असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, ठीक, और मैं कास्टिंग भी करता हूँ, मेरी ऑलरेडी दो फिल्में रिलीज हो चुकी है, ठीक है, तो और वेब सीरीज भी मैंने किया है, तो ये सब इसका एक्सपीरियंस लेने के बाद स्टोरी को जो मैंने रीड करा तो मुझे लगा कि शायद कुछ इसमें डिफरेंट है। बाकी ऐसे तो बहुत सारे एक्शन मूवी आ रहे हैं, शॉर्ट मूवी, वेब सीरीज, सब बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा यूनिक लगा मुझे, इसलिए इसमें बहुत इंटरेस्टेड था मैं। बाकी और ये स्टोरी जो लिखी है मेरे फ्रेंड ही है।